विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरते समय दो अपराधों की जानकारी छिपाए जाने के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सर्वोच्च न्यायालय से कुछ हद तक राहत प्रदान की गई है, जिसमें उनकी पुनर्विचार अर्जी पर खुली अदालत में सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दिए गए आदेशों के बाद सुको के आदेशों से ही जिला न्यायालय में होने वाली सुनवाई प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी द्वारा 10 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। उल्लेखनीय है कि फडणवीस के खिलाफ 4 मार्च 1996 और 9 जुलाई 1998 को अलग अलग दो फौजदारी मामले दर्ज किए गए। दोनों मामलों में प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी की अदालत से 3,000 रूपए के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की गई थी। वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में दक्षिण पश्चिम विसर सीट के लिए नामांकन दाखिल करते समय दिए गए शपथ पत्र में इन अपराधों की जानकारी उजागर नहीं की गई। मैंने ये कभी नहीं कहा, न देवेंद्र जी ने कहा कि कोर्ट में उपस्थित रहना नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी जो हमको लीगल रेमेडीज है हमारी, वो हम अवेलेबल कर जो अवेल कर रहे हैं, जो हमको लीगल रेमेडीज अवेलेबल है वो अवेल कर रहे हैं। हमको कोर्ट में आना नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पहले भी हर केस में देवेंद्र जी हर केस में कोर्ट में आए हैं, कोर्ट में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। तो ये कोर्ट को हमको कोई टालना है या इसमें आना नहीं है, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। ना हमारे मन में ये विचार है, ना कोर्ट में आज एक झूठ बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है ऑर्डर्स के ऊपर में। ऐसा कोर्ट के अंदर में माननीय न्यायालय में ऐसा झूठ परोसा गया है। जो झूठ परोसने की आदत भाजपाइयों की है वो आज कोर्ट के अंदर भी दिखाई दी गई, और यही झूठ उन्होंने परोस के कोर्ट को उमरा करने की बरगलाने की कोशिश की, जो आज कोर्ट ने देखकर उनके ऊपर में एक सख्त ताकीद की। इस तरीके की कोई भी बातें जो है वो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। आना रहेगा और आना इसीलिए पड़ेगा क्योंकि कानून के ऊपर कोई नहीं, चाहे वो राष्ट्रपति इस देश का क्यों ना रहे, कानून के ऊपर कोई नहीं, उनको आना ही पड़ेगा। मिल जाएगा ये आपका बोलना है, लेकिन ऑलरेडी एक ऑर्डर जो हो चुका है उस ऑर्डर के अगेंस्ट में रिव्यू मांगा है। रिव्यू तब पॉसिबल है अगर उसमें कोई कानूनन डिफेक्ट है तो। अगर कानूनन डिफेक्ट नहीं है तो कोई भी रिव्यू पिटीशन कभी अलाउ नहीं होती। आज तक का अभी तक का हमने ऐसा कोई नहीं सुना कि अगर कानून का अगर उल्लंघन है या अगर कानून में कोई वायरस है और उस पर अगर रिव्यू पिटीशन है तो ही अलाउ। अपराधों की जानकारी छिपाने तथा मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी किए जाने का आरोप करते हुए सतीश उके की ओर से अर्जी दायर की गई थी, जिसे पहले ठुकरा दिया गया था, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से अर्जी पर पुनर्सुनवाई करने के आदेश न्याय दंडाधिकारी को दिए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश जारी होने के बाद मुख्य न्याय दंडाधिकारी सातों की अदालत में सुनवाई हुई थी, जिसमें उन्होंने फडणवीस को समन जारी कर स्वयं अदालत में हाजिर रहने के आदेश दिए थे। गत 2 सुनवाई में राहत देने के बाद अदालत ने 24 को हाजिर रहने के आदेश दिए थे, किंतु सुको में पुनर्विचार अर्जी पर न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस के समक्ष सुनवाई होने के बाद उक्त आदेश जारी किया गया। सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी स्वीकार होने के बाद फडणवीस की ओर से सुको के आदेश की जानकारी न्याय दंडाधिकारी को दी गई, साथ ही सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया गया। सतीश उके की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सुदीप जायसवाल ने बताया कि शुक्रवार को अदालत ने भले ही 10 फरवरी तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी, लेकिन सुको की ओर से जिला न्यायालय की सुनवाई पर स्थगित नहीं मिलने पर फडणवीस को उस दिन अदालत में हाजिर रहने के भी आदेश दिए हैं। फडणवीस की ओर से अधिवक्ता उदय डबले, अधिवक्ता प्रफुल्ल मोगावकर ने पैरवी की। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।